नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य हिंदी, आज बीए भाग तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, द्वितीय प्रश्न पत्र का जो कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसकी आपको मैं जानकारी दूँगा। कौन कौन सी आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी होंगी इस वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए, उनकी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने आपको इसके पहले जो कक्षा थी उसमें प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो आधुनिक हिंदी कविता है उसके बारे में आपको जानकारी दी। ये द्वितीय जो प्रश्न पत्र है आपका गद्य साहित्य का है और गद्य साहित्य की दो महत्वपूर्ण विधा आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, नाटक और निबंध। तो आपका जो ये द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें आधुनिक हिंदी साहित्य में जो गद्य साहित्य है उसकी नाटक विधा और निबंध विधा का आपको अध्ययन करवाएगा और इसमें न केवल नाटक और निबंध हिंदी के जो प्रसिद्ध नाटककार हैं, निबंधकार हैं, उनकी रचनाओं से आप परिचित होंगे बल्कि आधुनिक गद्य साहित्य में नाटकों का अधवा विकास, निबंध का अधवा विकास, इसके अलावा निबंध का जो सैद्धांतिक तत्व है, नाटक के सैद्धांतिक तत्व हैं, उनका भी आप अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम क्रम से इकाई बार ये जो पाठ्यक्रम आपका विभाजन किया गया है उसकी जानकारी लेते हैं। पहली ये जो आपका पाठ्यक्रम है प्रथम प्रश्न पत्र की भांति द्वितीय प्रश्न पत्र भी 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है और जो पहली इकाई आपके पाठ्यक्रम में है वो नाटक से है। तो जो नाटक आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, दो नाटक रखे गए हैं वो पहली इकाई के अंतर्गत रखे गए हैं। उसमें पहला जो नाटक है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं भारती नरेशन, उनके द्वारा लिखित भारत दूरदर्शन नामक नाटक आपके पाठ्यक्रम में है। द्वितीय जो नाटक है वो स्वाधीनताकालीन हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामिनी है। इस तरह से दो नाटक प्रथम इकाई में आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। द्वितीय जो इकाई है, द्वितीय इकाई और तृतीय इकाई आपके निबंध जो रचनाएं हैं कुल 10 निबंध हैं, उनको 5-5 निबंधों में विभाजित करके द्वितीय और तृतीय इकाई में बांटा गया है। तो हम इकाई बार लेते हैं तो द्वितीय इकाई में जो प्रथम 5 निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें पहला जो निबंध आपका है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसके लेखक निबंधकार जो हैं बालकृष्ण भट्ट। द्वितीय जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में है धर्म और समाज, इसके जो लेखक हैं धर्म और समाज के चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में है उत्साह, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चतुर्थ जो निबंध है आपके पाठ्यक्रम में देवदारू, इसके निबंधकार आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी। और पांचवा जो निबंध है वो है प्रणाम, इसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इस तरह से द्वितीय इकाई जो है उसमें हिंदी के जो प्रारंभिक निबंधकार है भारतेंदु काली और शुक्ल युग के निबंधकार इस इकाई में रखे गए हैं। शुक्लोत्तर और स्वातंत्रोत्तर जो निबंधकार हैं वो आपकी निबंध तीसरी इकाई के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो उनमें से हम देखें तो तीसरी इकाई का जो पहला निबंधकार है अज्ञेय, इनका जो निबंध है वो आपके पाठ्यक्रम में सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध,
कौन सा? सौंदर्य बोध और शुभत्व बोध। इसमें जो दूसरा निबंधकार है इकाई में वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी की जो रचना है भोला राम का जीव, वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तीसरा निबंधकार है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की जो रचना, निबंध रचना है भारतीय संस्कृति और राष्ट्र, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इस इकाई का चौथा निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र की रचना ललित निबंध इनके होते हैं हल्दी दूब और दधि अक्षत। हल्दी दूब और दधि अक्षत ये शीर्षक से निबंध आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। अंतिम जो निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय, इनका जो की रचना है मधुर मधुर रसराग। इस तरह से कुल 10 निबंध इस प्रश्न पत्र में द्वितीय और तृतीय इकाई में आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। जो चतुर्थ इकाई है वह आपके नाटक और निबंध विधा का उद्भव और विकास पर आधारित है। इस इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य साहित्य है, आधुनिककालीन हिंदी गद्य साहित्य है, उसमें जो विविध विधाएं हैं उसके अंतर्गत हिंदी नाटक और निबंध के उद्भव और विकास के बारे में जानकारी आप इस इकाई के अंतर्गत प्राप्त करेंगे, उनका अध्ययन आप करेंगे। पांचवी जो इकाई है वह नाटक और निबंध विधा का सैद्धांतिक अध्ययन आपको, तात्विक या सैद्धांतिक अध्ययन आपको उसमें करना होगा। तो इस के अंतर्गत जो पांचवी इकाई है दो शिक्षकों में से आप पढ़ेंगे नाटक की विधा और उसके तत्व, दूसरा निबंध विधा स्वरूप और शैलियां। इसलिए इस तरह से पांचवी इकाई नाटक और निबंध की सैद्धांतिक इकाई है, चतुर्थ इकाई नाटक और निबंध का ऐतिहासिक उद्भव और विकास की ऐतिहासिक जो कथा है उसकी जानकारी आपको देती है, उसके विकास क्रम को आपको समझाती है। प्रथम इकाई में दो नाटकों का आप व्यवहारिक रूप से अध्ययन करेंगे। द्वितीय और तृतीय इकाई में जो हिंदी के 10 प्रमुख निबंधकार हुए उनका, उनके जो रचनाएं हैं, चुनिंदा रचनाएं हैं, उन रचनाओं का आप अध्ययन करेंगे। इस तरह से इस प्रश्न पत्र में कुल 5 इकाई जो कि आप बीए प्रथम वर्ष से कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा देते आए हैं, उसी तरह से इसका भी परीक्षा पैटर्न है। 5 इकाइयों में विभाजित है प्रश्न पत्र और 5 इकाइयों में से खंड ए परीक्षा है उसको 3 खंडों में आपको प्रश्न पत्र विभाजित किया गया है। खंड ए में 10 अंक के प्रति इकाई से 2-2 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है। इस तरह से कुल मिलाकर 10 अंक की आपकी सभी 5 इकाइयाँ हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। जो शब्द सीमा है इसमें अधिकतम 1 शब्द से लेकर के 20 शब्द हो सकती है। खंड ब जो होता है उसके अंतर्गत प्रथम जो 3 इकाई हैं हिंदी साहित्य में उनमें से आपके जो पाठ्य पुस्तकें हैं गद्य पद्य जो भी हैं उनमें से आपको जो रचनाएं पढ़ी जाती हैं उन रचनाओं से व्याख्याएं दी जाती हैं। किन्हीं 3 व्याख्याएं प्रत्येक इकाई से आपको एक एक व्याख्या चुनते हुए करनी होती है और ये 10-10 अंक की होती है। अंतिम जो चतुर्थ और पंचम इकाई है उसमें से आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी 10-10 अंक के होते हैं। इस तरह से ये जो व्यवहार है 50 अंक का होता है और इसमें आपका जो उत्तर
लिखने की जो शब्द सीमा है लगभग 250 शब्दों की होती है। तीसरा जो खंड है से इस खंड के अंतर्गत आप पांचों इकाइयों में से कोई 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उनमें से आपको 2 प्रश्न परीक्षा में हल करने होते हैं आप, और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 20-20 अंक का होता है। इस तरह से यह जो इकाई है 40 अंक की होती है, और इसमें जो प्रश्न होते हैं निबंधात्मक प्रकार के होते हैं, उनके उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है लगभग 500 शब्द होती है। इस तरह से यह जो आपका प्रश्न पत्र है कुल 100 अंक का होता है, और कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आपका ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस पाठ्यक्रम को आप कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने विस्तृत रूप से इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दी है। अब मैं यहाँ आपको आपके जो पाठ्यक्रम के लिए जो पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। कल मैंने प्रथम प्रश्न पत्र की भी जानकारी आपको दी थी, उसके जो पाठ्य पुस्तकें हैं प्रथम प्रश्न आधुनिक हिंदी कविता नाम से आपके हैं, तो उसमें 2 पाठ्य पुस्तकें मुख्य रूप से आप पढ़नी होंगी आपको। मैं आपको जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बता देता हूँ किस तरह की पाठ्य पुस्तकें आपके आएंगी। एक तो ये आधुनिक हिंदी कविता है, ये पुस्तक आप देखिए आधुनिक हिंदी कविता। इसमें आपके जो पाठ्यक्रम में जो भी कवि और उनकी रचनाएँ हैं उन सभी को संकलित करके पृष्ठभूमि सहित इसमें रखा गया है, तो ये पाठ्य पुस्तक के तौर पर आपको पढ़नी होगी। दूसरी जो पुस्तक है ये पाठ्य पुस्तक में नहीं है, संदर्भ है, लेकिन आपका जो चौथी और जो पांचवी इकाई है उसे यह पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता के वैचारिक एवं शिल्पगत आयाम उसको ये अपने आप में समेटती है। तो इसमें आप आधुनिक हिंदी कविता की पृष्ठभूमि, आधुनिक हिंदी कविता के विविध वाद और तत्व उनका आप इस पुस्तक की सहायता से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और एक एक करके उन्हें आप समझ सकते हैं। ये जो दोनों पाठ्य पुस्तकें हैं अधिकतर पंचशील प्रकाशन जयपुर से ही प्रकाशित हैं। आपके जो सिलेबस में जो पाठ्य पुस्तकें हैं पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हैं। अब हम द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसमें आपकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, नाम मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो कैसी हैं, कहाँ से प्रकाशित हैं, कौन उनके संपादक हैं वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रथम जो आपके रचना है भारत दुर्दशा, ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आपके पाठ्यक्रम के लिए इसे जो विद्यार्थी संस्करण के तौर पर ये पाठ्य पुस्तक है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज इसके संपादक हैं और पंचिक प्रकाशन से ये प्रकाशित है। तो इस तरह की पाठ्य पुस्तक नाटक की है आपकी पंचिक प्रकाशन की से प्रकाशित है और ये आपको लेनी होगी। द्वितीय जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये भी पंचिक से प्रकाशित है और जयशंकर प्रसाद उसके लेखक जो नाटककार हैं, तो ये आपको पढ़नी होगी। निबंधों की बात करें तो निबंधों में आधुनिक हिंदी निबंध के नाम से ये पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो ये इसके जो लेखक हैं यानी संपादक, इसमें जो निबंधों का संकलन किया गया है उनके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज, ये भी मंचन प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। ये पाठ्य पुस्तक भी आपको द्वितीय और तृतीय इकाई के लिए पढ़नी होगी। और जो चतुर्थ और पंचम इकाई है तो इसमें से चतुर्थ इकाई के लिए जो नाटक के तत्व और नाटक का उद्भव विकास उसके लिए ये पुस्तक हिंदी नाटक उद्भव और विकास, ये डॉक्टर हेतु भारद्वाज ही इसके संपादक हैं, तो ये पुस्तक भी आपके लिए जो आपकी चौथी और पांचवी जो इकाई है उसमें इसी तरह से एक पुस्तक और है
निबंध, ये मैंने आपको बताया आधुनिक हिंदी निबंध, ये जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी निबंध, इसमें निबंधों का संकलन तो है ही, इसके अलावा आपको जो हिंदी निबंध के तात्विक और ऐतिहासिक जो अध्ययन है उद्भव और विकास, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इस तरह से आपको ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं आपके पाठ्यक्रम की, उन्हें पढ़ना होगा और एक एक करके हम इकाईवार आपको इनका अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप पाठ्य पुस्तकें संभव हो सके तो पाठ्य पुस्तकें मंगवाएं और उनका अध्ययन भी प्रारंभ करें, और साथ में हम एक एक करके अध्ययन का शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।